आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। जोधपुर में मतोड़ा पुलिस की कार्रवाई के दौरान 13 अवैध देशी शराब के कार्टून जब्त किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना मतोड़ा टीम द्वारा बोलेरो वाहन में 13 कार्टून अवैध शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के मद्देनजर अखिलेश शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी के सुपरविजन और नूर मोहम्मद वृत्ताधिकारी ओसिया के निर्देशन में मगाराम थानाधिकारी पुलिस थाना मतोड़ा के नेतृत्व में जयमल राम ASI मई टीम द्वारा 30 जनवरी को पुलिस थाना मतोड़ा में नाकाबंदी की गई। उसी दौरान बोलेरो जो नाकाबंदी के दौरान मिली उसका पता किया तो उस वाहन में 13 कार्टून अवैध शराब बरामद हुई, जो कि वाहन चालक पुलिस की नाकाबंदी देखकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने जानकारी हासिल की तो चालक, जिसका नाम छैल सिंह पुत्र भंवर सिंह है और नींबू का तालाब मतोड़ा का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी दस्तयाबी के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई में जयमल राम, भागीरथ राम, चैन सिंह आज़ाद और दीपक तथा रेखा राम को जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। जोधपुर के मतोड़ा से रमेश विश्नोई की विशेष रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।